ठीक है। एरिया ऑफ ट्रंगल फॉर्म द टेंजेंट्स एट द पॉइंट बी कॉमा सी ऑन पैराबोला इज 16 यूनिट स्क्वायर ठीक डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई डायग्राम बनाना पड़ेगा देखो। ये है आपका पैराबोला ठीक <laughs> है ये वाई इक्वल टू जीरो है वाई इक्वल टू जीरो तो यही वाली लाइन है एक्स इक्वल टू बी ए वाली लाइन है ठीक है अब क्या बोल रहा है, अब सज दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट बी सी नेचुरल नंबर है ये बी कॉमा सी है एट द पॉइंट ऑन पैराबोला ठीक है अब ये लाइन है ठीक है वाई इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द टेंजेंट हाँ, तो ये वाला ट्रायंगल ये वाला एरिया पूछा है बेसिकली ये एरिया 16 है अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों b, कॉमा c पे बन रहा है c की देखो मेरे को जरूरत नहीं है है हाँ? ना चलो ठीक है बना लो एक काम करते हैं b को अपन 2a स्क्वायर मानते हैं और c को 2at मान लेते हैं ठीक है ऐसा कर सकते हैं अपन लोग ऐसा अपने को अलाउड है करना ठीक है अपन पैरामेट्रिक पॉइंट्स मान रहे हैं ठीक है अब आप कुछ मत करो कुछ मत करो आपको ए की वैल्यू निकालनी है मैंने इसलिए बी और सी को एलिमिनेट कर दिया ठीक है मुझे क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी थी ना देखो ठीक है तो अब मैं इक्वेशन लिखूंगा ना तो देखो इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी डी वाई बाई डी एक्स जो स्लोप होगी वो होगी वन अपॉन टू टी एक्स माइनस टू टी वाई टू ए टी स्क्वायर माइनस फोर ए टी प्लस टू ए टी स्क् राइट तो अब आप देखो ये यहां पे कहां कट करेगा माइनस टू ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो पे ये पॉइंट आपका टू ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो है राइट 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 right. ये टू एटी है अब आप लोग का एरिया कितना आ जाएगा हाफ फोर एटी स्क्वायर इंटू टू एटी ठीक है हाफ टू एटी स्क्वायर है ना ये आ गया एरिया इज इक्वल टू सिक्सटी ठीक है ठीक है तो अब ये कितना आ गया देखो फोर ए स्क्वायर टी क्यूब

बी इंटू सी सिक्सटीन है आप समझ रहे बी इंटू सी सिक्सटीन है बी इंटू सी सिक्सटीन है अब बी और सी नेचुरल नंबर है तो वो क्या हो सकता है 16, 1, 4, 16, 1, ना देखना पड़ेगा बेटा देखो सिक्सटीन वन एट टू फोर फोर टू एट वन सिक्सटीन ये पांच वैल्यूज आ सकती है अब सबके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को यह चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो ए है ना वो सी स्क्वायर बाय टू बी है तो ए निकालो ए निकालो राइट सी स्क्वायर बाय टू बी तो वन बाय थर्टी टू इधर आ गया है ना वन बाय थर्टी टू इधर आ गया सी स्क्वायर बाई टू बी इसमें क्या दे रखा है बी ग्रेटर देन दे रखा है क्या ए नेचुरल नंबर दे रखा है दोस्तों ना ए नेचुरल नंबर दे रखा है तो ये सारी कंडीशन हट जाएंगी ये भी हट जाएगी सी स्क्वायर सिक्सटीन बाई एट यहाँ टू आएगा सिक्सटी फोर बाय फोर सिक्सटीन आएगा टू फिफ्टी सिक्स बाई टू वन ट्वेंटी एट आएगा तो ये तीन वैल्यूज है जो पॉसिबल है तो कितना आंसर आ गया इसका वन फोर्टी सिक्स ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत टफ क्वेश्चन है ये तो है ना बहुत टफ क्वेश्चन है तो भाई मेरे हिसाब से ठीक है मेरे हिसाब से बहुत टफ क्वेश्चन है मतलब इस पे देखो दुनिया भर की नॉलेज लगा दिया अपन ने इकतीस जनवरी शिफ्ट टू के अंदर आया था ये क्वेश्चन छाप लो भाई दाने